ये मैंने दाना डाला मिक्स। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, मेरी वीकेंड की जो रूटीन है उस हिसाब से मैं आपको आज अपना दिखाने लगा हूँ फार्म। और आज मैंने दाना बनाना था अपने मुर्गों के लिए, तो मैंने कहा चले जी आप सब भाइयों के लिए जो है ना ये वीडियो छोटी सी बना दूँ। मिक्स दाना मैं बनाने लगा हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा दाना जो है कितना कितना आपने डालना है। मेरे ये ब्रीडर मुर्गे हैं, सिर्फ उनके लिए मैं बना रहा हूँ अभी, तो ताकि वो क्रीज कर रहे हैं, अच्छी क्रीज करें। तो मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि दाना कौन सा बनाना है। तो दोस्तों मैं आपको जो है ना वो दाना बताने लगा हूँ कि कैसे बनाना है आपने और कितने कितनी मकदार में बनाना है। तो ये दाना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करना। आगे आगे ले आएंगे हम लोग। ये देखें जी, मेरे पास पहले बाजरा, ये थोड़ी मकदार में मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इजीली आपको जो है ना बता सकूँ कि ये कैसे बनाना है आपने। ये देखिए जी, ये बाजरा देसी बाजरा ये, ठीक है जी, ये 3 kg बाजरा है ये। तीन केजी बाजरे के अंदर 1 kg ये है मकई। ये देखें ये मकई है, छोटी छोटी पीसी हुई मकई है ये। ये देखें, इसे हम भंग बीज कहते हैं, क्लियर आ रहा है? ये भंग बीज है, ठीक है जी। ये आधा किलो मैंने लिया, ये भंग बीज है, ये आधा केजी मैंने लिया। उसके बाद ये मैं मार्ट पे गया था, असल में मार्ट पे बहुत अच्छी चीज़ें साफ मिल जाती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है मूंग साबत, ठीक है, ये 250 ग्राम का एक पैकेट आई है और 250 का मेरे पास एक और है। ये देखें 250 ग्राम के 2 पैकेट हैं, ये आधा केजी जो है ना मैंने ये डाला। ये देखें ये साफ़ है, ये मार्ट से ये होता है कि अच्छे तरीके से साफ़ चीज़ आपको मिल जाती है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त साफ है, बिल्कुल साफ एक एक दाना। ये आपने क्या करना है आपके काम। ये देखें जी ये बिल्कुल साफ है, ये मैंने डाल दी। दाना जितना साफ आप बनाएंगे उतना ही ज़बरदस्त और साफ चीज़ बने। अब मुझे ये मैं सरसों घर से लेके आया हूँ, क्योंकि ये हमारी अपनी लगी होती है, तो इसके अंदर थोड़ी सी सफाई नहीं है। ये ना जब हम निकालते हैं ना इसे, तो उस वक्त इसके अंदर ये ये देखें इसके अंदर मैंने अब ये सरों भी डाली है,
ये सरों का बीज है। ये हमारे पास घर की देसी सरों थी, वो मैंने ऐड किया इसके अंदर। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने ऐसे मिक्स कर लेना। ये देखें जी, अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करें। सर्दियों के अंदर जैसे ही सर्दी थोड़ी स्टार्ट होगी, उसके अंदर हमने सूरजमुखी ऐड कर लेना और वाइट तिल ऐड कर लेने हैं। ये मेरा छोटा सा फार्म है जी, ये मेरे चूजे हैं और ये कुछ इधर हैं। तो ये अभी इधर से मैं इनको खोलने लगा हूँ। ये देखें जी, ये मेरा ब्रीडर है। ये देखें, कबूतर भी आ गए हैं और ये सारी मुर्गियाँ इसी मुर्गे के साथ हैं। चेक करें माशाल्लाह से। ये एक मेरा बाहर ब्रीडर घूम रहा है। ये टोटली जितनी ब्रीड है इसी मुर्गे की है। ये मैंने दाना डाला है मिक्स। चेक करें जी, ये चेक करें जी माशाल्लाह से। ये मेरा ब्रीडर और ये सारी मादियाँ इसी के साथ, और माशाल्लाह एक्टिव है और मादियाँ अंडे दे भी रही हैं। और साथ इसमें देखे पिजन भी आ गए हैं, ये मैंने रखे हुए हैं पिजन भी। चेक करें, ये देखें, ये मिक्स दाना खा रहे हैं।